ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र के खेड़ी भनौता गांव में छात्र के डूबने से हड़कंप मच गया। इसके बाद ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। दरअसल मछली को दाना डालने के वक्त प्रशांत नाम के युवक का पैर फिसल गया, जिसे बचाने के लिए दूसरे युवक ने कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों ने दूसरे युवक को तो बचा लिया, लेकिन प्रशांत का कुछ पता नहीं चल पाया। घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि गोताखोर की टीम को सूचना देने के 3 घंटे बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस वजह से प्रशांत का कुछ पता नहीं चल पाया। वहीं पुलिस ने दावा किया कि तालाब में डूबने की खबर समय पर SDRF की टीम को दे दी गई थी।